हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर अस्तुरा मेरा विशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई समा सुनील की लव स्टोरी है, जिसमें हम देखेंगे कि भाई जब उनका पहला बेबी होने वाला था तो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन था, वो सारा अपना डिटेल हमें बताएंगी। प्लीज वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते आज वीडियो, चलिए। सो हेलो गाइस, मैं हूँ समा खान, आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो मैं आ चुकी हूँ वापस से पार्ट टू लेके आपके लिए। तो अब आप देखेंगे कि नीवा के आने की तैयारियां हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मेरी बड़ी माँ ने, जो कि क्रिश्चियन है, उन्होंने कैसे प्रेयर की हमारे और सुनील के साथ, दोनों को बैठा के बहुत सारा यीशु मसीह से आशीर्वाद मांगा हम दोनों के लिए और नीवा के लिए। तो चलिए देखते हैं वो पूरा प्रोसेस कि कैसे उन्होंने दुआएं की और कैसे फिर हम कार में बैठ के रवाना हुए हॉस्पिटल के लिए। आइए देखते हैं। ए रही भाई मम्मी जी, ए रही जूही, ए रही सासुमा जी, ए रही छोटी साली जी, ये रही इससे बड़ी साली जी। ये पता नहीं कौन सी साली है, छोटी है, बड़ी है, कितनी बड़ी है पता नहीं चल रहा है। तैयारी में समा खान जी, अरे रुको रुको रुको, दवा खान तैयार है, उनकी पब्लिक तैयार है, पब्लिक तैयार है सर। लोग सब जाते हुए, ये हमारा रथ रेडी है, हमारी कार रेडी है। आज के लिए तो कोई ना। हेलो, दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करो। ये मिस्टर प्रिंस है, क्या रॉक आदमी है। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो लोग, तो आपने देखा सारी दुआएं कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद मैं कार में बैठने जा रही हूँ और वहाँ पे सब हैं, मतलब मेरी छोटी बुआ की पूरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली है, ताई जी की पूरी फैमिली है, मतलब सब थे वहाँ, बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग रहा था कोई तो जश्न का माहौल है, और था भी वो जश्न का माहौल। तो उसके बाद जब मैं कार से उतरी तो कैसे बड़े पापा ने, ही इज होल्डिंग माई हैंड बहुत अच्छे से, और वो हमेशा मेरे लिए पापा से बढ़ के रहे हैं और उन्होंने ख्याल भी उसी तरह रखा है। वो आए और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद मम्मी ने उन्हें रिपोर्ट्स वगैरह दी, फिर मैं व्हीलचेयर पे बैठी और गई। तो आइए ये सारा फुटेजेस आपको दिखाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जैसी एंट्री हुई उसके बाद क्या क्या हुआ। आइए देखिए। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने की, और नर्स मुझे ले जा रही है व्हीलचेयर से। सुनील बड़े घबराए हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मतलब बहुत, और मैं उनको समझा रही हूँ, मतलब आपको सच बताऊं मुझे 1% भी डर नहीं लग रहा था। मैक्सिमम औरतों को ऑपरेशन से पहले डर लगता है, सभी को लगता है, बट मुझे 1% भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे इवन इतना सा रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरा पेट कटा जाएगा या टांके लगेंगे, सर्जरी होने वाली, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पर मेरे से ज्यादा सुनील डरे हुए थे।
देखा ना प्रशांत से लाख चले नहीं नहीं घर लाख चले कैमरा तो ना अंदर लाख जान दे बार तो देखा आपने सुनील का डर और मेरे डर ना लगने की एक वजह ये भी थी बिकॉज मेरे बड़े पापा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और मेरी डिलीवरी वही कराने वाले थे तो शायद मुझे ये ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे कि कोई और है या क्या है मेरा खुद तो कोई अपना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में होगा तो शायद मे भी हो सकता है इसलिए मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी। तो बड़े पापा आए और मुझे अंदर लेके गए और फिर उसके बाद मुझे जब लिटाया गया तब भी मैं बोल रही थी कि आराम से जब मुझे इंजेक्शन लगा हुआ एनेस्थीसिया वाला तो मैं बोल रही हूँ मेरा अंगूठा हिल रहा है मेरा अंगूठा पैर का हिल रहा है अभी मत काटना मुझे मैं डॉक्टर से लिटरली ये बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज जो बड़े पापा के साथ एक दूसरे डॉक्टर भी थे दो तीन डॉक्टर थे और असिस्टेंट भी थे साथ में तो मैं बोल रही हूँ मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा है बिल्कुल मैं अभी सुन नहीं हुई हूँ मुझे बिल्कुल अभी मत काटना और वो सब कार्ड वर्ड चुके थे वो लोग मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि नीवा जो थी वो ऊपर आ गई थी बहुत मेरे चेस्ट तक आ गई थी तो पहले तो क्या था 7 मंथ में ही नीवा बहुत नीचे आ गई थी तो सबको लग रहा था कि ये सतवासी बच्ची पैदा हो जाएगी बट जब पैदा होने की बारी आई 8.5 मंथ कंप्लीट हो गया तब वो बिल्कुल चेस्ट के पास ऊपर पहुंच गई ऑपरेशन थिएटर में। फिर दो असिस्टेंट भेजने पड़े उनको अपने डॉक्टर को कि उसको ढकेलो और वो मेरी पसली के पास से वो लोग ऐसे धक्का दे रहे थे और मैं उनसे कह रही हूँ आराम से मेरी पसली टूट जाएगी मुझे फील हो रहा है नीचे फील नहीं हो रहा पर ऊपर फील हो रहा है और मैं चिल्ला रही हूँ उन लोगों पे तो वो कह रहे हैं आप चिल्लाओ मत बेबी आपका ऊपर चला गया। मैं कह रही हूँ ऊपर कैसे चला गया इसको बाहर नहीं आना है क्या पता नहीं क्या था कि शायद नीवा मेरे अंदर से निकलना नहीं चाह रही थी मेरे साथ ही होल्ड रहना चाह रही थी बट सुनील बाहर वेट कर रहे थे मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि सुनील बाहर है मम्मी बाहर है बड़ी मम्मी और सब टेंस्ड है बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में सबके चल रहा है क्या होगा कैसे होगा क्योंकि होता है ना सबको पता है कि बहुत इजी सी बात है शायद ये वाला ऑपरेशन लोगों को लगता है 10-15 मिनट में हो जाता है बट डर तो लगता है ना कि अपना बच्चा ऑपरेशन थिएटर में गया तो सब बहुत टेंस थे और मैं तो अंदर बहुत खुश एनेस्थीसिया के नशे में डॉक्टर बार बार मुझसे बोल रहे हैं यहाँ पे एक लगाते हैं कपड़ा वो लगा दें तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाना है मुझे और मुझे आंखें भी नहीं बंद करनी और वो लोग बोल रहे हैं सो जाओ बेटा मैं कह रही हूँ नहीं मुझे नहीं सोना जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख लूंगी तो लोग बोल रहे हैं आपको पता है कि बेटी होगी मैंने कहा हाँ मुझे पता है बेटी होगी क्योंकि एक शख्स है जिन्होंने बोल के भेजा है कि बिटिया ही आएगी। तो नीवा के होने के ठीक 15 मिनट पहले जब मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था एक शख्स है जिन्होंने दरवाजा खोला और बोला लक्ष्मी ही आ रही है तो मैं बोली कि अब तुम्हें कैसे पता मैं कह रही बड़े पापा ने बताया क्या अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है क्या मुझे ऐसा लग रहा है भाई डॉक्टर है क्या तो बोले नहीं किसी ने नहीं बताया तो मैंने कहा फिर आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हो वो कौन था वो थे सुनील शर्मा। तो सुनील से मैंने कहा आपके पास बोल नहीं 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 मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज मैंने आपको बोला था अपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में कि सुनील के साथ उस दिन बहुत कुछ बड़ा हुआ था अच्छा तो बड़ा ये हुआ था कि 2 साल से उनका एक जगह पैसा स्टक था एक अमाउंट था बहुत बड़ा वो स्टक था 2 साल से और नीवा के होने के जस्ट 15 मिनट पहले से मुझे वो ग्लूकोज चढ़ रहा है वो ना कॉल आया ना कोई इन्फॉर्मेशन आई ना कोई मैसेज आया वो सीधे क्रेडिट हो गए पैसे और फिर सामने से उनका कॉल आया कि यार मैंने आपके पैसे भेज दिए। तो सुनील आए और दरवाजा खोला बोला मेरी लक्ष्मी अकाउंट में तो आई गई है और अब तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई बिकॉज मुझे लड़की ही चाहिए थी बहुत डिस्परेटली लड़की चाहिए थी बट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लड़का होगा लड़का होगा बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना पेट देख के बोल देते हैं या आपकी रंगत देख के बोल देते हैं तो सब ऐसे बोल रहे थे मैं बहुत निराश थी बट ये लास्ट 15 मिनट पहले जो बात हुई तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि सुनील कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा होप अच्छा करते। तो अब बारी है नीवा के आने की मैं थोड़ा कॉन्शियस माइंड में थी बिकॉज एनेस्थीसिया का नशा जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा मैं थोड़ा होश में थी थोड़ा नहीं थी तो जैसे मुझे हल्की हल्की भीनी भीनी सी आवाज़ सुनाई दी रोने की तो मैं डॉक्टर सबसे पहले पूछ रही क्या हुआ है तो बोले कह रहे हैं आपको क्या चाहिए तो मैंने कहा मुझे तो लड़की ही चाहिए तो बोले बस वही हुई है तो मैंने कहा मेरा दिल रखने के लिए मत बोलो हो सकता है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ तो मुझे आप डराना नहीं चाह रहे इसलिए बोल रहे बोले नहीं नहीं आप लड़की हुई है। मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर लड़की हुई है तो मैं आपको 2 गिफ्ट दूंगी और अगर लड़का हुआ होगा तो 1 गिफ्ट दूंगी तो आप सोच लो आपको क्या चाहिए। तो वो हंसने लगे बोल रहे हैं तुम इतनी बातें मत करो तुम एनेस्थीसिया दिया है तुम सो जाओ। मैंने कहा नहीं अब मेरी बेटी मुझे दिखाओ तो उन्होंने बोला नहीं आपकी बेटी को बाहर भेज दिया साफ साफ करके और मैं कह रही बाहर क्यों भेज दिया मुझे तो दिखा दो मैं माँ हूँ मैंने पैदा किया मुझे दिखा दो यार। तो मुझे दिखाए बिना ही नीवा बाहर भेज दी गई और बाहर भेजने के बाद सुनील का रिएक्ट कैसा था तो चलिए देखते हैं सुनील। हाँ
तो लगभग आधे घंटे बाद मुझे वहां से स्ट्रेचर पे लाया गया रूम में शिफ्ट करने के लिए। और मैं कह रही हूँ कहाँ है बेटी कहाँ है, तो सुनील ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वीडियो में देखेंगे। और सुनील से मैं कह रही हूँ देखा देखा बिटिया हो गई, देखा बिटिया हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेटा होगा जाओ डांट दो सबको, तो सुनील कह रहे हाँ मैंने सबको डांट दिया है और बिटिया ही हुई है। तो मैंने कहा मेरी तरह है क्यूट, सुनील कह रहे क्यूट है क्यूट है, मैं कह रही हूँ मेरी तरह है मेरी तरह है। तो हम लोग आप देखिए वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा, चलिए देखिए। तो अब बारी आती है माँ बेटी के मिलने की, तो ये बारी है अब मेरी और सिर्फ नीवा की। मैं लेटी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ नीवा को लाओ। और मेरा मतलब मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं आधी बेहोश हो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा पर मैं जग रही हूँ। और दो घंटे हो चुके हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं इसको सुला दो वरना इसके सर में दर्द होगा बिकॉज एनेस्थीसिया के बाद सोना चाहिए। मैं कह रही हूँ नीवा को दिखाओ नीवा, फिर मम्मी लेके आई उसे। गाइस आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग, और मैं एक्सप्रेस वर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकती जब नीवा मेरे सामने आई ऐसे और मैं उसे देख रही थी और नीवा मुझे देख रही थी। मतलब मैंने ऐसे इमेजिन किया था बच्चे छोटे पैदा होते तो उनकी आंखें बंद होती हैं या बिल्कुल वो चुपचाप पड़े रहते हैं, पर नीवा शरारते कर रही थी और आंखें खोल के मुझे देख रही थी। सच में मैं नहीं बता सकती आपको कि वो फीलिंग क्या थी। मैं सच कह रही हूँ गाइस, जो माएँ होंगी सिर्फ वही समझ सकती होंगी वो मतलब फीलिंग को, बिकॉज 9 महीने आपने एक बच्चे को अपने पेट में रखा है, उसे इतने अच्छे से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं वर्ड्स में। उस 9 महीनों के बाद जब वो सामने आई और मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि तब तक तो मैंने फेस देखा ही नहीं ना, मेरे अंदर है वो और मैं महसूस कर पा रही थी उसे, पर मैं पहली बार उसे देख रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, मैं इतनी खुश, मतलब इतनी खुश मैं अपनी शादी से भी नहीं थी, मैं इतनी खुश सुनील से मिलके भी नहीं थी, मैं अपनी शादी से किसी चीज़ से इतनी खुश नहीं थी। मैंने जब नीवा का फेस देखा वहां सारी खुशियां खत्म, मतलब ये खुशी प्राइसलेस है, वर्ल्ड बेस्ट खुशी है ये। और नीवा मुझे जिस तरह देख रही थी, मैं एनेस्थीसिया के नशे में होने के बावजूद मैं चाह रही थी बस मैं उसे देखती रहूं और मैं उसे किसी तरह गोद में ले लूं। तो घर वालों ने कहा नहीं तुम इसे गोद में नहीं ले सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, चलिए आप फुटेज देख लीजिए। तो देखा आपने मेरी नीवा को, मेरी क्यूट सी नीवा को, और उनके पापा को जो हॉस्पिटल में ही नाचना शुरू कर दिए थे वो भी आपने देखा होगा कि वो नाच भी रहे हैं, क्योंकि सुनील को बिल्कुल डांस नहीं आता है, फिर भी बहुत खुश थे वो। मतलब तब तक तो नर्वस थे जब तक नीवा नहीं हुई, बट नीवा के होने के बाद फिर वो बहुत खुश थे। मतलब उनकी हंसी फेस से रुक नहीं रही थी, ई ऐसा ही फेस था उनका, उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था, सब यही कह रहे थे सुनील के दांत ही दिख रहे हैं, सिर्फ दांत ही दिख रहे हैं। आप शादी की फुटेज देखिए हमारे, सेम सुनील ने शादी के टाइम भी यही किया है, जब सुनील बहुत खुश होते हैं तो उनका ई रहता है, मुंह बंद ही नहीं होता। तो हमारी शादी के टाइम भी प्रॉपर हंस रहे थे वो, नीवा के होने के बाद भी। तो आपने देखा मेरी और नीवा की जर्नी, में सच में मेरे पास वर्ड्स कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास सब कुछ कम है बताने के लिए कि मैंने क्या क्या महसूस किया, क्योंकि ये बहुत सारा है और शायद एक माई ये समझ सकती है कि ये फीलिंग क्या होती है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो गाइस पसंद आया होगा, मेरी और नीवा की जर्नी का। वीडियो को लाइक, ये थी आज की वीडियो। तो यार मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है, तो जिसको फील होता होगा, मैं आपको भी ऐसे ही खुशी हुई थी जब पहला बच्चा होता है, तो तब कहते हैं कि मतलब अलग ही किस्म की जो फीलिंग्स होती है ना, वो माँ को कहते हैं कि मतलब हम नहीं समझ सकते उस चीज को, जब एक
कहते हैं कि लेडी या फादर, एक मर्द जो है फादर बनता है, तो वो उस टाइम पे जो उसकी फीलिंग होती है, अक्सर लोगों को मैंने खुशी से रोते हुए देखा है जब वो फर्स्ट टाइम अपने बेबी को उठाते हैं ना। तो मुझे याद है मेरी बहन का ना जब हुआ था ना बेबी, तो जब उनको भी ऐसी ही फीलिंग आई थी। मतलब सबकी मुझे लगता है शायद ऐसी सेम फीलिंग ही होती है ना अम्मी के, पहले पहले बचा खुशी होती है। हाँ वही ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है, और ऊपर से ऑपरेशन से तो डर ही बहुत ज्यादा लगता है। ये मेरी अम्मी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ। अम्मी डर लगता है ना बहुत। हाँ। कसम से बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे कभी किसी का हो ही ना, लेकिन जब ऑपरेशन होता है ना तो कहते हैं कि भाई इंसान की जान जो है, हाँ, जिंदगी दोबारा मिलती है, लेकिन ये जो है समा है, वो काफी ज्यादा खुश थी इस चीज से, और ऊपर से बंदे को एक डर भी तो लगता है, ऊपर से बेबी जो है वो ऊपर चला गया था, तो और भी ज्यादा बंदे को कि क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है ना अम्मी, तो फिर और भी ज्यादा डर लगता है इस चीज से। और उनको बेहोश किया हुआ था, मतलब एक वो, हाँ बेहोश नहीं मतलब एक ना आपका मास होता है तो आप होश में ही होते हो, बस मेरा अंगूठा ही रहा है मेरा अंगूठा। क्योंकि इंसान जब देख रही थी, देख रही सब कुछ देख रही थी, मतलब वो बस मासूम हुआ था, इंसान एक बेहोशी की हालत में होता है, उठा भी होता है और सो भी रहा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, और नीचे का ही था वो सुन करते हैं। हाँ तो यार बहुत ज्यादा अच्छी मतलब वीडियो मुझे लगी, और इतने ज्यादा हैप्पी थे, और ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि यार उनके कितने पैसे फंसे हुए थे, उनके बच्चे के आते सारे जो है भाई पैसे जो है उनके निकल आए, जो जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी है। तो इसका मतलब यही है कि भाई बच्चे ब्लेसिंग्स होते हैं। अक्सर देखा है कि यार जब किसी के घर बच्चा होता है ना, तो कसम से उस लोगों के घर में ना रिजक आना स्टार्ट हो जाता है, वो बच्चा ही ऐसा किस्मत वाला होता है, अपने साथ इतना रिजक, या फिर लड़की के कदम ही पड़ते हैं ऐसे हैं कि भाई लड़के की जिंदगी रोशन हो जाती है, ऐसा होता है ना। हाँ, होता है। बिल्कुल। तो यार बड़ी अच्छी लगी वीडियो, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है।